हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट AMU। आप सभी स्टूडेंट्स कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं कि AMU की कट ऑफ क्या जाने वाली है, क्या रहने वाला है। तो मैं इसमें एक कोर्स की नहीं, सभी कोर्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो सभी कोर्स की कट ऑफ तो मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो कि आप सुन के बहुत हेल्पफुल होगी और आपको आइडिया होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, AMU के जो इस बार पेपर आए हैं वो बहुत ईजी आए हैं। ऑलमोस्ट मैंने रिव्यूज़ लिए हैं कुछ कोर्सेज के, तो सभी यही पता चला है। तो कट ऑफ की वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है, अगर आपको कुछ एग्जैक्टली थोड़ा आइडिया लेना है, लेकिन मैं आपको रफली एक आइडिया देता हूँ। देखिए, जैसे कोई भी कोर्स है तो सभी कोर्स के जो कट ऑफ रहती है 40-60 के अराउंड ही रहती है। देखिए, जैसे 11th की कट ऑफ बात करें 60 अराउंड, लेकिन कॉमर्स की साइंस की बात करें तो 70+। तो ऐसे रहता है, डिफ़र करता है कोर्स टू कोर्स। लेकिन आपको अगर पता है कट ऑफ, उससे 5-10 मार्क्स ऊपर मान के चलिए। और अगर देखें कि कोई कोर्स है उसमें आपका एडमिशन नहीं हुआ, उसमें फिर आपकी वेटिंग भी आती है। देखिए, वेटिंग आती है, वेटिंग में अब क्या रहता है, कितनी वेटिंग क्लियर होती है, फिर वो भी बच्चों का क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन वही होता है कि भाई आपने बोला इतने पे हो जाएगा, लेकिन इतनी वेटिंग आ रही है, अब वेटिंग कैसे क्लियर होगी, कितनी होगी वेटिंग। देखिए, तभी क्लियर होती है जैसे आपका कोई कोर्स, जैसे किसी का सिलेक्शन हुआ है, उसने कोर्स छोड़ दिया, उसने एडमिशन नहीं लिया, तो एक ने नहीं लिया तो एक वेटिंग क्लियर होगी, और दो ने नहीं लिया दो क्लियर होंगी। तो ऐसे रहता है वेटिंग का। तो वेटिंग का कोई किसी के हाथ में नहीं होता कि इस बार कितनी क्लियर होगी, तो वो हर साल डिफ़र करता रहता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वेटिंग आ रही है चाहे आपकी 1000 भी है ना, जैसे मैं बात करूँ BA और BSc वगैरह की, 1000-1000 भी हो जाती है क्लियर बॉयज़ में, लेकिन गर्ल्स की जो होती है वो आपकी कम होती है। गर्ल्स भी ये बोलती हैं, गर्ल्स का 200-250 भी क्लियर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है BSc वगैरह में। और लॉ की है, लॉ की तो देखिए, जैसे BLLB की एक भी कट ऑफ वेटिंग क्लियर नहीं होती, अगर आपको AMU सेंटर चाहिए। बाकी जो मुर्शिदाबाद मुल्लापुरम है उसमें वेटिंग वगैरह को मिल जाता है, लेकिन सेलेक्टेड वालों को भी सबको AMU कैंपस नहीं मिल पाता। इसलिए डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स। देखिए, जहाँ एक कोर्स में आपकी वेटिंग पे कैंपस नहीं मिल रहा है, और दूसरे कोर्स में 1000-1500 वेटिंग पे भी क्लियर हो जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कट ऑफ वगैरह पे आप ज़्यादा ध्यान मत लगाएं, तो रिज़ल्ट ही लगाएं। वैसे अपने मार्क्स चेक कीजिए, और जितनी पुरानी कट ऑफ हैं उससे 5-10 मार्क्स ऊपर मान के चलिए कि इस बार 5-10 मार्क्स ज़्यादा जाएंगे। तो इसलिए सोच के रखिए, ये मत मानिए कि लास्ट ईयर 50 थी हमारे, 50 आ रहे हैं तो हो जाएगा। हो भी सकता है, सेम भी रह सकती है, उससे कम भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस बार सभी कोर्स के ज़्यादा होगी, लेकिन मोस्टली कोर्स का यही होने वाला है। और बाकी अपने कोर्स वगैरह कमेंट कीजिए कि आपके मार्क्स कितना आ रहे हैं, तो फिर आपके जो कोर्स में बच्चों ने अपियर हुए हैं और आपका जो सेम कोर्स में एंट्रेंस दिए हैं बच्चों ने, वो भी अपनी कमेंट करेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि देखिए इस स्टूडेंट के इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं। लगभग सभी के 50+ हैं, किसी के 60+ हैं, 70 भी हैं, और मेरे 30 आ रहे हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा होगा नहीं होगा। और तो इसलिए कमेंट कर दीजिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आपको हेल्पफुल लगी होगी वीडियो, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक यू।